हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पे हम जानेंगे व्हाट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, क्या होता है असामान्य मोलर द्रव्यमान। अभी तक जितना भी हम पढ़े उन सब में, जितना भी आप वैद्युत अपघट्य ले रहे थे, जितना भी हम मोलर द्रव्यमान निकाल रहे थे विलेय का, वो सब सामान्य था। मतलब जो विलयन में आप डाल दिए, अभी तक हम जितना भी यूज कर रहे थे, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि हम अभी तक जितना यूज कर रहे थे वो सब के सब विलय किया थे अवाष्पशील, तो कहा जा रहा था लेकिन ये नहीं कहा जा रहा था अवाष्पशील। मतलब ये अवाष्पशील तो है लेकिन ये नहीं कहा जा रहा था कि वैद्युत अपघट्य हैं, वैद्युत अपघट्य इनको नहीं कहा जा रहा था, बल्कि हम कौन सा यूज कर रहे थे, अनअपघट्य, अन अप घट्य यूज कर रहे थे। तो जितना भी हम अवाष्पशील विलय यूज करते सब वैद्युत अनपघट्य थे। मतलब विद्युत धारा अगर विलयन में प्रवाहित की जाए इलेक्ट्रोड लगाकर, तो विलय के अणु ना ही टूटेंगे ना ही जुटेंगे जो अवाष्पशील हम ले रहे थे। लेकिन अब कुछ ऐसे अवाष्पशील विलय हैं जो विद्युत के प्रवाह में आने पर, प्रभाव में आने पर टूट जाते हैं या जुट जाते हैं। तो यहाँ पे अब मोलर द्रव्यमान भी गड़बड़ होता है, यानी मोलर द्रव्यमान या तो कम हो जाता है या बढ़ जाता है, यानी असामान्य हो जाता है। तो क्या समझेंगे हम यहाँ पे, जैसे अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, वो सब ऐसा अवाष्पशील विलय था जो टूटता नहीं है। जैसे यूरिया NH2CO, यूरिया ये नहीं टूटता। फिर से आप ले लीजिए और ग्लूकोज, ये सब विलय नहीं टूटते। लेकिन अगर आप NaCl लेंगे तो वैद्युत अपघट्य है, ये टूट जाएगा, या फिर ऐसे भी हैं जो जुट सकते हैं। तो यहाँ पे मोलर द्रव्यमान गड़बड़ हो जाएगा और इतने भी अणु संघ के गुणधर्म है वो भी असामान्य हो जाएंगे, चाहे वो क्या बोला जाता है, ΔTF हो, ΔTB हो, या वास्पता में आप अच्छे गौनमन हो जाए पर आसन धाप हो। तो इसी को मैनेज करने के लिए फिर हम आगे देखेंगे वॉन्टअप गुणक आई, जो इस असामान्यता को बराबर करेगा, मेंटेन करेगा। तो समझ गया क्या होता है असामान्य मोलर द्रव्यमान, इस बात को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे या लिखेंगे कि विलयन में उपस्थित कणों का वियोजन या संगुणन होने पर विलयन में उपस्थित कणों की संख्या बदल जाती है, जिससे विलय का मोलर द्रव्यमान, मोलर सामान्य लिख दिया मैंने, मोलर द्रव्यमान यहाँ पे लिख देता हूँ, सामान्य मान की तुलना में कम या ज्यादा प्राप्त होता है। इसी को कहा जाता है असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो कैसे होता है वियोजन या संगुणन, मैंने इसके बारे में भी बताया। अब दो स्थितियां आती हैं, एक तो कणों का वियोजन होगा, दूसरा संगुणन होगा। तो इन दोनों स्थितियों के बारे में हम जानेंगे। तो हम पहला देखेंगे विलय अणुओं का वियोजन। तो यहाँ पे हम देखेंगे विलय अणुओं का वियोजन। वियोजन मतलब टूटना। तो अब होगा क्या, मान लीजिए हम कोई विलय डाल दिए इस टोकरी में, तो टूट गया। मान लेते हम KCl डालें, यहाँ पे लिखता हूँ KCl, ये टूटा, K+Cl- aqueous में टूट गया। तो पहले था एक मोल, यहाँ पे वन मोल था, यहाँ पे तब एक मोल के, अब के प्लस हो गया, एक मोल Cl माइनस हो गया, भाई टोटल दो मोल हो गया। तो अब कैसे क्या होगा, अब टू मोल्स हो गए, तो अब अणुओं की संख्या बढ़ गई, पहले एक ही अणु था, अब दो अणु हो गए, टू मोल्स का मतलब टूट गया। अब चूंकि जितने भी अणु संख्या गुणधर्म है, चाहे वो P0-PS/P0 हो, चाहे वो ΔTB हो या ΔTF हो या पाई हो, ये सब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अणु होते हैं मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, अरे मोलों की संख्या पहले से बढ़ गया, पहले एक था अब डबल हो गए, डबल। तो जितने भी अणु संख्या गुणधर्म है बढ़ जाएंगे, यानी पहले से वो भी डबल आएंगे। तो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि अणुओं के वियोजन से अणु संख्या गुणधर्म का मान बढ़ जाता है, लेकिन द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ा,
मोलर द्रव्यमान पे भी, लेकिन मोलर द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ा? तो हम जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म देखे उसमें बार बार मोलर द्रव्यमान नीचे आ रहा था ना, डब्ल्यू बी बटा एम बी नीचे आ रहा था। यानी जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म है, पी जीरो माइनस पी एस बटा पी जीरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/mv, चाहे वो आप डेल्टा टी भी ले लो या आप ले लो, क्या लोगे, डेल्टा टी एफ या पराशरण दाब ले लो, तीनों में से कोई ले, सब के सब इनडायरेक्टली नहीं रिवर्स डायरेक्शनली होते हैं, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, हमने क्या देखा कि ये दुगुने आ गए, ये मान सभी पहले से बढ़ गए हैं, लेकिन मोलर द्रव्यमान इनका व्युत्क्रमानुपाती, तो इसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वो कैसे? तो हम अगर इस पर फोकस करते हैं, यन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दुगुना है, तो इसके अनुसार ये तो दुगुना हो गया। चलिए मैं कोई एक ले लेता हूँ, चलिए डेल्टा टी भी ले लेता हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/mv, अकॉर्डिंग टू दिस ये आ गया डबल। लेकिन अगर हम एमबी को ध्यान से करें तो 1/2 डेल्टा टी भी होगा, इसको इधर भेज दें। तो अब हम दो से भाग करेंगे तो मान 0.5, मतलब आधा हो रहा है, पहले का ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल केसीएल का मोलर द्रव्यमान या सूत्र द्रव्यमान कितना है, तो 40 प्लस 35.5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 75.5। लेकिन अभी क्या हुआ, जब ये टूट गए ए प्लस और सी एल माइनस में, तो अब इनका मोलर द्रव्यमान क्या होगा, तो पहले का आधा हो गया, और सामान्य मतलब आधा हो गया। कैसे हुआ, मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, कितना आएगा, 2 3 6, 2 7 40 0.22 4, 2 5 10, 37.25, तो इतना आएगा आंसर। इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या लिखेंगे हम, विलयन में विलय अणुओं के वियोजन से अणुओं की संख्या अधिक हो जाती है, जिससे विलयन उच्च अणुसंख्यक गुण दिखाते हैं। अभी हमने देखा कि कैसे केसीएल के टूटने से सभी अणुसंख्यक गुण डबल हो गए, क्योंकि अणुसंख्यक गुण मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए क्या हो जाता है, पहले से कम हो जाता है, घट जाता है। जैसा हमने केसीएल का उदाहरण देखा, एक मोल केसीएल जिसका मोलर द्रव्यमान 74.5 ग्राम होगा, अगर यहाँ पे आप केसीएल का 39 लेते हैं तो 74.5 आएगा, तो यहाँ पे किताब में 39 लिया गया है पोटेशियम का द्रव्यमान, मैंने 40 लेकर आपको समझाया। इसको जल में घोलने पर यह एक मोल के प्लस और एक मोल सीएल माइनस आयनों में टूट जाएगा, इसलिए विलयन में इसके कणों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। तो होगा क्या, अब जो हमें मोलर द्रव्यमान परीक्षित करने पर मिलेगा, प्रयोग करने से जो मोलर द्रव्यमान मिलेगा वो पहले वाले यानी जो सामान्यतः देखने को हमेशा मिलता है उसका आधा मिलेगा, तो असामान्य हो गया मोलर द्रव्यमान। तो ये था पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आता है जब विलय अणुओं का संयोजन होता है, जब वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो उसको हम लोग देख, यहाँ पे हम देखेंगे विलय अणुओं का संगुणन। तो संगुणन में क्या होगा, विलय के अणु आपस में जुड़ जाएंगे और मोलों की संख्या पहले से कम हो जाएगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ कि मान लीजिए CH3COOH है, एसिटिक एसिड, इसके दो मोल्स आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे ही हम इसको H2O पानी में डालेंगे ये जुड़ जाएंगे और CH3COOH का डाइमर बनाएंगे, यानी द्वित्व हो जाएंगे एक दूसरे में चिपक के। ऐसा कैसे होता है, इस बात को हम लोग देखेंगे। तो जो CH3 है और यहाँ पे है C डबल बाउंड O, इधर बाउंड O, इधर बाउंड H, और इधर CH3 का C है, और यहाँ पे हो जाएगा O बाउंड H, यहाँ पे डबल बाउंड O। तो इनके बीच क्या बन रहा है, एक तरह से OH, यहाँ पे बंधन तो नहीं बनता,
लेकिन एक तरह से आकर्षण ओ और एच के बीच आकर्षण होने के चलते हाइड्रोजन बंधन बन जाता है। मतलब कि ओ जब हाइड्रोजन के पास आता है तो एक तरह से हम यहाँ पे कल्पना कर सकते हैं, अपने मन में सोच सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बन रहा है। हाइड्रोजन बंध बहुत ही प्रबल होता है, दो अणुओं को चिपका कर रखता है, इसलिए दो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड वन मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड में बदल गया, वन में, यानी पहले से मोलों की संख्या कम होगी। तो पहले से मोलों की संख्या कम होगी तो जितने भी अणुसंघ के गुणधर्म है सबके सब कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने अभी देखा कि जितने भी अणुसंघ के गुणधर्म थे वो समानुपाती थे मोलों की संख्या के, अब ये पहले से घट गया, पहले दो था अब सिंगल हो गया, एक हो गया, तो निश्चित है एक भी घटेंगे, तो सभी के सभी घट जाएंगे अणुसंघ के गुणधर्म। अब लेकिन वही बात करें हम मोलर द्रव्यमान की, तो हम जानते हैं कि जो अणुसंघ के गुण है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलर द्रव्यमान के, विलेय के मोलर द्रव्यमान। अब चूंकि ये घट गया, ये घट रहा है तो मोलर द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये बढ़ेगा। इसको स्पष्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, Mb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अणु संख्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, शॉर्ट को लिखता हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज घट रहा है, तो जैसे जैसे घटेगा हम एक में भाग करते जाएंगे तो इसका मान बढ़ता चला जाएगा, यानी अब जो यहाँ पे मोलर द्रव्यमान है सामान्य से अधिक प्राप्त होगा संगुणन की स्थिति में। इन सारी बातों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे कि विलयन में विलय कणों का संगुणन होने पर अणुओं की संख्या घट जाती है, इसके फलस्वरूप अणुसंख्या गुणों के मान में कमी आ जाती है। कैसे आती है उसे मैंने अभी आपको बताया, चूँकि अणुसंख्या गुण मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए विलय का मोलर द्रव्यमान सामान्य से क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। अब यहाँ पे हम समझेंगे, जैसे मैं मान लीजिए हम बेंजीन में एथेनोइक अम्ल को डाल दिए, H2O नहीं, बेंजीन में पानी में नहीं डालेंगे इसको, हम बेंजीन में डालते हैं तब ऐसा होता है, जैसे इसको एसिटिक अम्ल कहा जाता है, तो इसके अणुओं का हाइड्रोजन बंध बनने के कारण डाइमराइजेशन हो जाता है, द्वितीयन, इससे ये इनके कणों की संख्या घट जाती है। मतलब दो इसमें जितने भी हम बेंजीन में डाले हैं CH3COOH एसिटिक अम्ल, उसके एक मोल यानी दो मोल मिलके एक मोल बन जाएंगे, क्यों बन जाते हैं, हाइड्रोजन बंध, यानी ओ एच के जब पास आता है तो इनके बीच एक हाइड्रोजन बंध की हम कल्पना करते हैं, जिस कारण से चिपक के अणुओं की संख्या को कम कर देते हैं, उसको मैंने आपको समझाया। अब इस कारण से अणुसंख्या गुण का मान पहले से आधा हो गया, तो मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, आधा का दुगुना हो जाएगा, ये आधा हुआ तो ये दुगुना हो जाएगा, मतलब ये 1/2 हुआ तो ये 2 गुना बढ़ जाएगा, इसका मोलर द्रव्यमान 60 गुना के 120 होगा। अब इन समस्या को दूर करने के लिए वॉन्टॉफ नामक वैज्ञानिक ने एक गुणक निकाला, इसे वॉन्टॉफ गुणक कहते हैं, उसको अगर हम अणुसंख्या गुण में धर्म में लगा दें तो ना ही, तो ये जितने भी अणुसंख्या गुण धर्म है ना ही कम होंगे ना ही उच्च होंगे, या जो भी उच्च आए हैं या कम आए हैं वो सब बैलेंस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम देखेंगे वॉन्टॉफ फैक्टर, वॉन्टॉफ फैक्टर या वॉन्टॉफ गुण क्या होता है, तो वॉन्टॉफ नामक वैज्ञानिक ने वॉन्टॉफ कितना, हमने अभी देखा कि कैसे संगुणित हो रहा है या वियोजित हो रहा है, तो कितना संगुणन हुआ कितना वियोजन हुआ उसकी मात्रा, ना कितना संयोजन हुआ कितना वियोजन हुआ, मतलब कि बिलियन में डालने पर टूटा तो कितना टूटा जुटा तो कितना जुटा, उसकी मात्रा को निकालने के लिए एक गुणक दिया उन्होंने वॉन्टॉफ ने, जिसका नाम है वॉन्टॉफ गुणक। इसे आई से प्रेजेंट करते हैं, आई से प्रेजेंट करते हैं। अब आई का निकालने का तरीका है कि जो भी सामान्य मोलर द्रव्यमान है उसमें, और जो भी असामान्य मोलर द्रव्यमान, मतलब कि जो पहले मोलर द्रव्यमान था अब प्रयोग के बाद यानी बिलियन में डालने के बाद जो उसका मोलर द्रव्यमान घट या बढ़ गया उसे भाग कर दीजिए तो आई निकल जाएगा, यानी जो भी अणुसंख्या गुणधर्म है अगर इसको अणुसंख्या गुणधर्म के रूप में बदलना चाहें तो मान लीजिए ये अणुसंख्या सामान्य अणुसंख्या गुण 1/10 इसका, चूँकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है मोलर द्रव्यमान, तो आप वो लिखोगे यहाँ पे 1/ सामान्य अणुसंख्या गुणधर्म, तो यहाँ पे लिख देते सामान्य
संख्या गुणधर्म, शॉर्ट वर्ड में लिख दिया, बटे एम डैश मतलब वन बटा में असामान्य, इसको हम प्रेक्षित कहेंगे, यानी प्रेक्षण से जो हमें प्राप्त हुआ अणु संख्या गुणधर्म, प्रेक्षित अणु संख्या गुण। चलिए क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, यानी फाइनली हमें आई बराबर मिलेगा, क्या मिलेगा, ऊपर वाला प्रेक्षित हो जाएगा, ऊपर प्रेक्षित चला जाएगा, नीचे सामान्य आ जाएगा, सामान्य अणु संख्या गुणधर्म। अणु संख्या गुण में क्या क्या हो सकता है, आप डेल्टा टी बी ले लो या डेल्टा टी एफ ले लो, है ना, बटे में इसका परिवर्तित मान डेल्टा टी बी का डैश जो भी परिवर्तित हुआ, कोई भी आप पाई ले लीजिए, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, जो उसका मान पाई का मान पहले था सामान्य, अब मिलाने के बाद जो आया उस भाग करके निकाल सकते हैं। लेकिन इन दोनों से अच्छा तरीका एक और होता है, मोलों की संख्या के रूप में, वियोजन के बाद कितने मोल हैं या संगुणन के बाद कितने मोल हैं और उसके पहले कितने मोल हैं उनसे भाग दे दीजिए, यानी वियोजन के बाद मोलों की संख्या बटा में वियोजन से पहले मोलों की संख्या, या संगुणन के बाद मोलों की संख्या बटा में संगुणन से पहले मोलों की संख्या, तो एन बटा में एन डैश कर देते हैं, ये वियोजन से वियोजन के बाद कितना, यहाँ पे एन डैश बटा में एन कर देते हैं, एन वियोजन के बाद कितने मोलों की संख्या आई, वियोजन से पहले, या जुड़ने संगुणन के बाद मोलों की संख्या कितनी आई, संगुणन से पहले। यहाँ पे मैं आपको जैसे समझा देता हूँ आप समझ जाएंगे, सबसे आसान होता है ये, क्योंकि ये ज़्यादातर यूज होता है, इन दोनों से भी बहुत आसान नहीं, मतलब ये ज़्यादातर यही प्रायोगिक होते हैं, क्योंकि हमको हमेशा द्रव्यमान नहीं दिया रहता, हमेशा ये नहीं दिया रहता, ये वाला आसान होता है निकालना। आप ले लीजिए जैसे KCl, K प्लस Cl माइनस, ये वियोजन से पहले कितने मोल हैं, एक मोल है, इधर कितने हो गए वियोजन के बाद, एक मोल K प्लस का, एक मोल C माइनस का, क्या होगा, आई निकालिए, वियोजन के बाद मोलों की संख्या 1+1 है, बटा पहले कितने हैं, 2 नहीं 1/1 आ जाएगा, तो यहाँ से हम आसानी से आई का मान निकाल लेंगे। उसी तरह संगुणन की बात करें तो CH3 डबल लेते हैं इसका, COOH, ये क्या करेगा, CH3 COOH का होल ट्वाइस संगुणन हो गया इसका, यहाँ पे हम क्या करेंगे आई निकालेंगे, संगुणन के बाद मोलों की संख्या 1, पहले कितना है 2, फाइनली कितना आएगा 0.5। एक और बात नोटिस करने वाली है, वियोजन हो रहा है तो मान आई जो है ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 से अधिक आ रहा है, संगुणन हो रहा है तो आई जो है लेस देन 1 है, 1 से कम आ रहा है, ये बात भी ध्यान देने वाली है। फिर एक और बात, जब वियोजन ना ही होगा ना ही संगुणन होगा, यानी जितना पहले मोलों की संख्या आती है उतना ही बाद में भी रहे, तो मान क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ऐसा किस में देखा जाता है, तो ग्लूकोस और फिर से यूरिया, फिर से ये सब जो है पानी में टूटते नहीं है, ग्लूकोज यूरिया ये सब पानी में वियोजित नहीं होते, बस केवल उसमें घुल के रहते हैं, इसलिए इनका वन टॉप फैक्टर आई 1 होता है, ये विद्युत अन अपघट्य, ये सब अपघट्य है। तो चलिए इन सारी बातों को हम लोग नोट कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे इसके बारे में, वन टॉप शुरू करेंगे 1880 में, शुरू नहीं करेंगे, यहाँ से घटना घटित हुआ था 1880 में, वान्टॉप ने वियोजन और संयोजन की सीमा के निर्धारण, कितना वियोजन हुआ कितना जुड़ा, मतलब संयोजन हुआ कितना टूटा कितना जुड़ गया, उसके सीमा मतलब मान कितना, निकालने के लिए एक गुणक आई को दिया, जिसे वान्टॉप गुणक कहते हैं, इस गुणक आई के अनुसार हम क्या करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे, तो आई बराबर सामान्य मोल द्रव्यमान बटा में असामान्य, या प्रेक्षित अणु संख्या के बटा में ये वाला सामान्य वाला, कैसे हुआ बता चुका हूँ आपको, जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि संगुणन या वियोजन के बाद कणों के मोलों की संख्या बटा में संगुणन या वियोजन के पहले कुल कणों के मोलों की संख्या, तो ये ज़्यादा प्रयोग होता है, वो उतना प्रयोग नहीं होते, इसलिए आप इसको याद रखें। आगे मैंने ये बताया आपको कि वियोजन की स्थिति में होता क्या है, आई का मान 1 से अधिक आता है, कैसे आता है आपने देखा यहाँ पे। फिर अब आगे हम लोग संगुणन की स्थिति में देखेंगे, संगुणन की स्थिति में हम देख सकते हैं आई का मान क्या होता है, 1 से कम होता है, कैसे होता है आपने देखा। संगुणन वियोजन ना होने की स्थिति में क्या होता है, आई 1 के बराबर होता है, कैसे होता है वो भी आपने देखा, ग्लूकोज और यूरिया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि संगुणन या वियोजन होने से क्या होता है, अणु संख्या गुण बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, तो उनको
संशोधित करने के लिए, अनुसंख्य गुण को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, इस आई यानी इस वन फैक्टर को उन्हीं के साथ लगा देंगे, गुणा कर देंगे। इससे क्या होगा, मान संशोधित हो जाएंगे, यानी जो भी परिवर्तन आ रहा है वो अब ठीक हो जाएगा। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग वन ऑफ गुणक को अनुसंख्य गुणों में शामिल करने पर अनुसंख्य गुणों के लिए समीकरण निम्न प्रकार निम्न अनुसार संशोधित हो जाते हैं। क्या करेंगे, तो पहला पहला क्या होता है, पहला हाँ पी जीरो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं विलायक के लिए शुद्ध अवस्था में, बस बताओ पी ए विलयन के लिए, यहाँ पे पी एस भी लिख सकते हैं बटा में पी जीरो ए, यही होता है वाष्प दाब में अवनमन, अपेक्षिक अवनमन, ये है अवनमन, ये है अपेक्षिक, इसके बराबर होता है विलेय के मूल अंश के, मूल अंश के बराबर होता है। क्या करेंगे यहाँ पे आई लगा देंगे, हो जाएगा संशोधित। दूसरा दूसरा डेल्टा टी बी होता है, इसके बराबर होता है के बी एम, क्या लगा देंगे आई, तो मतलब जो भी आ रहा था आई क्या है अधिक या कम कर देता है, आई लगा देंगे बैलेंस हो जाएगा। नंबर थर्ड डेल्टा टी एफ किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है के एफ इंटू एम, यहाँ पे क्या लगा देंगे आई। फिर नंबर चार पाई बराबर होता है सी आर टी या एन बी एन बटा बी आर टी, यहाँ पे क्या लगा देंगे आई। इस प्रकार हमारा समीकरण संशोधित हो जाएगा, यानी मान में अब गड़बड़ नहीं होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो वियोजन हो रहा है कितना हो रहा है, अभी तो हम आई का निकालना सीखे, अब वियोजन निकालना सीखेंगे कि किस तरह वियोजन हुआ, कितना संगुणन हुआ, उसकी मात्रा कैसे निकालते हैं, अल्फा अल्फा निकालना सीखेंगे। तो कुछ सूत्र है उसके तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, अब प्रैक्टिकल भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम आपको सूत्र के तरीके से बताएंगे, तो चलिए उसे देख लें। तो अब हम लोग यहाँ पर वियोजन की मात्रा देखेंगे, कैसे निकालते हैं वियोजन की मात्रा। तो मान लीजिए कोई अभिक्रिया है जिसमें जो अभिकारक अणु है वो टूटता है विलयन में और n मोल्स ऑफ ए बनाता है, मतलब ये अणु टूटकर इतना मोलों में वियोजित होता है। तो प्रारंभ में इसका हम मानते हैं एक मोल, और ये अभी बना ही नहीं है तो इसको हम जीरो मानेंगे, शुरू में इसका एक मोल मानेंगे, जो अभी अभी तक ये बना ही नहीं, शुरू का प्रारंभ अवस्था में अभी निर्माण नहीं हुआ उत्पाद, तो इसीलिए अभी जीरो मानेंगे। लेकिन एक स्थिति आता है साम्यावस्था पर, मतलब जब अभिक्रिया 50% कंप्लीट हो गई हो, 50% नहीं कहेंगे, यानी जब साम्यावस्था हो, दोनों तरफ अभिकारक उत्पाद की जो गति है समान हो चुकी हो, यानी आधा ये और आधा ये कंप्लीट हो चुका, तो इस स्थिति को साम्यावस्था कहा जाता है। या दूसरा तरीका, जब अभिक्रिया बीच में स्टॉप हो जाती है, मतलब अब अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ती ना पीछे बढ़ती है, इस स्थिति में रुक जाती है अभिक्रिया बीच में, तो इसे कहा जाता है साम्यावस्था। तो साम्यावस्था पे होगा क्या, मान लीजिए एक में से अल्फा ग्राम वियोजित हो गया ए अणु के ये जितने पहले मोल था उसमें से अल्फा निकल गया, यही वियोजन इतना वियोजित हो गया, तो यहाँ पे कितना बनेगा अल्फा, जितना निकला उतना ही यहाँ पे बनेगा, आ रहा समझ में, जितना एक में से अल्फा वियोजित हुआ एक मोल में से उतना ही यहाँ पे बनेगा। लेकिन कितना मोल है यहाँ पे, एन मोल है, तो यहाँ पे एन मोल के साथ यानी मोलों की संख्या भी साथ साथ रखेंगे कि कितना मोल वियोजित हो रहा है। तो अब हम लोग जानते हैं वॉन्ट फैक्टर आई बराबर विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या, संगुणन या वियोजन के बाद कुल मूलों की संख्या बटा में वियोजन से पहले कुल मूलों की संख्या। तो विलयन में साम्यावस्था पर ये भी है और ये भी है, यानी ये भी कुछ भाग है या ये भी कुछ भाग है, तो ये दोनों मूलों की संख्या है, तो कुल मूलों की संख्या कितना हो जाएगा, वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा बटा में कुल मूलों की संख्या वियोजन के पहले, तो वियोजन के पहले कितना है एक और जीरो प्लस जीरो, तो एक ही आएगा, यानी हम एक ही लिख देंगे बटे एक। अब इसे ध्यान से देखिए, क्या दोनों में अल्फा अल्फा है, हाँ, तो हम यहाँ से अल्फा कॉमन करने का आगे पैटर्न बनाएंगे, तो हम लिखेंगे वन, यहाँ पे लिख देते हैं
एन अल्फा माइनस अल्फा प्लस वन इस तरह कर देते हैं, अच्छा रहेगा। ए अल्फा है, अल्फा समझिए इसको आप, देखिए इन दोनों में अल्फा कॉमन है, हम इसे बाहर निकाल लेते हैं तो बराबर हो जाएगा हमारा एन माइनस वन अल्फा प्लस वन बाई वन, वन से कोई लेना देना नहीं, इधर बचा आई, हमें अल्फा निकालना है, क्या करेंगे हमारा अल्फा निकालना है तो एक को इधर भेजिए तो हो जाएगा एन माइनस वन इंटू अल्फा बराबर आई माइनस वन। फिर आगे अल्फा निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे तो अल्फा बराबर हो जाएगा आई माइनस वन बटा में एन माइनस वन, तो ये हो गया वियोजन की मात्रा। इस प्रकार हम निकालेंगे जहाँ एन क्या है, तो जहाँ एन ये है तो यहाँ पे एन है वियोजित कुल मूलों की संख्या, अब कितने मूल टूटे उसी को कहा जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए केसीएल है तो के प्लस सी एल माइनस में टूटा तो कुल कितने मोलों की संख्या होगी, एक प्लस एक बराबर दो। आई निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो वियोजित कुल वियोजन के बाद कुल मोलों की संख्या बटा में वियोजन से पहले कुल मोलों की संख्या, तो इस प्रकार निकालते हैं हम लोग। यानी हम लोग आई और एन का मान निकाल के वियोजन की मात्रा निकाल लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे संगुणन की मात्रा, उसको भी निकालने का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग देखेंगे संगुणन की मात्रा, तो संगुणन की मात्रा कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए कोई एन ए अणु है, ए अणु है जिसका एन मोल है, जो आपस में जुड़कर संगुणित होकर ए एन बनाते हैं। अच्छा इतना समझ में आया हमें, तो प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ में था इसका एक मूल, इसका जीरो मूल, साम्यावस्था पर क्या हुआ, तो साम्यावस्था पे इसमें से अल्फा मूल घटे, अल्फा मूल निकले संगुणित हुए, अल्फा मूल यहाँ पे संगुणित कर गया हम लोग, तो अल्फा मूल संगुणित हुए तो यहाँ पे बने अल्फा, जितना संगुणित होगा उतना ही बनेगा यहाँ पे अल्फा, लेकिन कितने मूल घट गए, इतना वियोजन इतना संगुणित हुआ अल्फा, संगुणन की मात्रा इतना है अल्फा, इसमें मूलों की संख्या भी घट रही है ना, तो कितना घटी, पहले एन था अब यहाँ पे तो एक दिखाई दे रहा है, यानी अल्फा के साथ मूलों की संख्या घटी, उसको पता करने के लिए हम एन से भाग दे देते हैं, यानी वियोजन के साथ कितने मूलों की संख्या घट गई पहले से भाग कर देते हैं। फिर हम उसी तरह आई निकालेंगे, तो संगुणन के बाद कुल मूलों की संख्या, तो विलयन में ये भी है तो आई माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा में एन बटा में कुल मूलों की संख्या, वियोजन नहीं संगुणन से पहले कुल मूलों की संख्या एक, जीरो भी लेंगे तो एक ही आएगा, दोनों को जोड़ जाएगा, क्या कीजिएगा, तो इसको एक तरफ कर लीजिए अल्फा बटा एन, इसको अल्फा समझिए, माइनस अल्फा प्लस वन, एक नीचे से गया, अल्फा अल्फा कॉमन कर लेंगे तो आई बराबर हो जाएगा वन बटे एन माइनस वन इंटू अल्फा प्लस वन, हमें अल्फा निकालना है, इसको हम इधर भेज देंगे इधर, तो वन बटे एन माइनस वन अल्फा बराबर हो जाएगा आई माइनस वन, ये इधर गया तो फिर क्या करेंगे हम लोग, अल्फा को यहीं पर रहने देंगे, इसको इधर भेजेंगे तो i माइनस वन बटे वन बटा एन माइनस वन, या इसको हम कर सकते हैं यहाँ पे n से गुणा करेंगे n से तो ऊपर हो जाएगा वन माइनस एन बटे, या इतना आप रखिए इतना सीधा याद रखिए, तो यहाँ से हमें एक संगुणक की मात्रा का व्यंजक मिल गया। यहाँ पे n क्या होगा, तो लिखेंगे जहाँ n कुल संगुणित मूलों की संख्या, कितना संगुणित हुआ, कुल संगुणित मूलों की संख्या है, तो यहाँ पे हम जान गए संगुणित कुल मूलों की संख्या हमने निकालना सीख लिया, संगुणन की मात्रा। अब हम लोग इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, तो चलिए अब आंकिक उदाहरण भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम आंकिक उदाहरण देखेंगे, तो जो जो दिया है उस बात को हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं। 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल 25 ग्राम बेंजीन में घोला गया है,
तो यहाँ से हम जानते हैं कि जो कम होता है वो ब्लैक होता है, और उसको हम लोग डब्लू भी बोल रहे हैं। जो अधिक होता है वो ब्लैक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डब्लू ए। आप यहाँ पे बेंजीन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप बेंजोइक अम्ल भी लिख सकते हैं, तो ज़्यादा वो लेंदी होगा इसलिए ये अच्छा है। आप बी मतलब विलायक समझिए, ब्ले कितना ग्राम, 2 ग्राम, और डब्लू ए मतलब विलायक समझिए कितना, 25 ग्राम। घोलने पर हिमांक में 1.62 केल्विन का अनुमान आया। हिमांक में अनुमान डेल्टा टी एफ बराबर 1.62 केल्विन का अनुमान होता है। बेंजीन के लिए मोलल अनुमान स्थिरांक भी दे दिया, के एफ बराबर कितना दे दिया, 4.9 केल्विन के जी पर मोल। फिर यदि वह विलयन में द्वितय बनाता है, डाइमर यानी जुड़कर द्विकणु बना देता है, डाइमर मतलब द्विकणु, मतलब 2 मोल उसके मिलकर 1 अणु बनाते हैं, यानी डाइमर कहा जाएगा, तो अम्ल का संगुणन कितना प्रतिशत होगा इसको हमें यहाँ पे बताना है। अम्ल का संगुणन कितना प्रतिशत होगा, संगुणन मतलब अल्फा, अल्फा का मात्रा हमें निकालना है, परसेंट में निकालना है, यानी इंटू 100 करके निकालेंगे। तो अब देखते जाइए, यहाँ पे बेंजोइक अम्ल बेंजीन में घुलने पर, अब बेंजोइक अम्ल है यही द्वितीय बनाता है, तो सिंपल सा आप जान लीजिए यहाँ पे उसका रिएक्शन क्या होगा। बेंजोइक अम्ल का होता है C5H C6H5COOH, इसके 2 मोल मिलके डाइमर बना लिए, मतलब C6H5COOH का होल ट्वाइस, कोई डाइमर कहा जाता है, इन्होंने डाइमर बना लिया। तो यहाँ पे आप यहाँ से भी आई का मान निकाल सकते हैं, लेकिन आई का मान हम थोड़ा सा अलग तरीके से निकालेंगे, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा में असामान्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में हमें ये आंकड़े दे दिए गए हैं, इसीलिए हम ऐसा करेंगे। तो एक तो हम इसका सामान्य मोलर द्रव्यमान जानते हैं, जिसको हम लोग एम भी कहते हैं, लेकिन और अभी ये संगुणित हुआ है, तो अभी जो हम इसका मोलर द्रव्यमान इनका प्रयोग करके निकालेंगे वो असामान्य आएगा। तो पहले हम लोग असामान्य मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो चूंकि हम लोग जानते हैं डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम होता है, हमें एम बराबर हम लोग जानते हैं डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्लू बी बटा एम बी इंटू डब्लू ए इंटू 1000 होता है। 1000 कब दिया जाता है, जब ये ग्राम में हो, अब ऊपर सभी ग्राम में ही दिए गए हैं, हमें एम बी निकालना है ये वाला। तो आप डायरेक्ट इसको इधर भेज दीजिए, बाकी को इधर भेज दीजिए, और मान को रखना शुरू कर दीजिए। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम ले लेंगे एम बी, यहाँ पे होगा के एफ इंटू डब्लू बी इंटू 1000 बटे, उतना लंबा नहीं करना आप, डायरेक्ट यहाँ से मान रखिए शॉर्टकट में, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा टी एफ, यहाँ पे आ जाएगा डब्लू ए, मान आप डायरेक्ट रखिए, कि आपका मान रखिए कितना दिया है, कि आपका मान, कि आपका मान है 4.9, डब्लू ए बी 2 ग्राम, 1000, डेल्टा टी एफ 1.62, डब्लू ए कितना दिया है, 25 ग्राम दिया है। इसको हल करेंगे हम लोग, तो यहाँ से अगर इसको आप डायरेक्ट कटाते हैं तो कटाइए, 25 कितना जाएगा, 25 × 24 = 40 चला जाएगा। फिर आप अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, यहाँ से पॉइंट, तो ये 10 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 100 आ जाएगा। आप साफ साफ कीजिएगा, सारा पॉइंट हटा के हल करने में बड़ा आसान हो जाता है, तो पॉइंट हटा के हल कीजिएगा। फिर 2 से इसको कटा दीजिए, 16 × 2 = 8, 16 × 2 = 81 हो गया। तो यहाँ पे इसका ये 49 हो गया, और ये हो गया 4, नीचे हो गया 81, और कुछ है क्या, हाँ इंटू 100 है, यहाँ पे 81 है और कुछ नहीं है, हाँ नीचे 81 बचा, इसको कटाने पे ये तो ऊपर चला गया। हाँ अब इनका गुणा कीजिए आप, 7 × 49, ये इसको 7 से भी लगभग कटा सकते हैं, हाँ 7 ले लीजिए। तो इसका मान मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, आप हल कर सकते हैं, 247.98 ग्राम पर मोल।
तो यहाँ पे इतना आया, ये असामान्य आया है, यानी एम बी बराबर, यहाँ पे मेरी अच्छा समझ लीजिए, एम बी बराबर 241.98 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे लिखेंगे सामान्य मोलर द्रव्यमान, सामान्य तो बेंजोइक अम्ल का, चूंकि बेंजोइक अम्ल का सामान्य मोलर, ये तो असामान्य है, ध्यान रहे, इस क्वेश्चन में लिख देता हूँ, ये है असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान, चूंकि सामान्य मोलर द्रव्यमान, सामान्य मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो जिस तरीके से हम निकालते हैं, बेंजोइक अम्ल का होता है सूत्र, ध्यान से आप जानते होंगे, तो C6H5COOH होता है, इसका हम निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे होता है कितने कार्बन है, 6, 1, 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन इंटू 1 का द्रव्यमान 12 प्लस 5, 1, 6 हाइड्रोजन इंटू 1 का द्रव्यमान 1 प्लस ऑक्सीजन 2 है, इनका 1 का द्रव्यमान 16 होता है, टोटल को जोड़िए आएगा आपका 22 ग्राम पर मोल। ये सामान्य मोल द्रव्यमान है, जो हम तरीके अपना लगाते हैं निकालने का, ये असामान्य है। तो अब हम लोग जानते हैं वांट ऑफ फैक्टर, आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो इसलिए वांट ऑफ फैक्टर आई बराबर क्या हो जाएगा, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा में असामान्य मोलर द्रव्यमान, तो ये हो गया। अब क्या हम उस तरीके से नहीं निकाल सकते थे, वियोजन के बाद, संगुणन के बाद कुल मूलों की संख्या बटा में संगुणन से पहले कुल मूलों की संख्या, यहाँ पे ये भी तो लगा सकते थे कि भाई ये द्विकणु बनाया तो बाद में एक मोल था पहले दो था, तो 1/2 करते तो 0.5 आ जाता, उस तरीके से भी 0.5 आएगा और इस तरीके से भी 0.5 ही आएगा, आप देख सकते हैं लगभग, इसको लगभग आपको करके दिखाता हूँ, सबको हटाइए, इसको आप 40 मानिए, इसको आप 0 मानिए, 0 से 0 जाएगा, 12 से 24 कटाइए, 12 × 24 यानी 1/2 आएगा, 2 से ऊपर कटेगा तो 0.5 आ जाएगा, लेकिन मान थोड़ा अलग आएगा, 0.504 आएगा, इसलिए थोड़ा सा मान आपको कैलकुलेशन करके देखना होगा। अब देखिए आई का मान पता चल गया हमें, उस तरह भी आप निकालिएगा, आई का मान आप 0.5 लीजिएगा तो 100% संगुणन होगा, लेकिन यहाँ पे 100% नहीं होगा, यहाँ 99.2% होगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक और तरीका बताया आपको आई निकालने का, ये वाला तरीका, वियोजन के बाद मोलों की संख्या बटम वियोजन के पहले, यानी यहाँ पे जो बेंजोइक अम्ल था C6H5COOH, उसने जुड़ करके बना लिया डाइमर होल ट्वाइस, तो वियोजन के बाद कितने मोल है, एक, पहले कितने, दो, तो 1/2 की जगह कितना आएगा, 0.5, तो इस तरह भी आई सही होगा, लेकिन यहाँ पे हमें जो प्रायोगिक आंकड़े दिए गए हैं असामान्य असामान्य, इसके आधार पे हमको निकालना है, इसलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। अब n बराबर कितना होगा, यानी कितने मोल अणु आपस में संगठित हुए, तो कितने मोल आपस में जुड़कर डाइमर बनाए, तो दो मोल अणु, तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, 2। अब चूंकि हम लोग जानते हैं संगठन की मात्रा अल्फा बराबर i-1/(n-1), आई का मान कितना है, आई का मान हमने अभी निकाला 0.504-1/(1)n, तो 1/2-1 आ गया, एन का मान 2 लिया गया है। आगे हल करेंगे तो ये मान आएगा, इसको घटाने पे एक में से घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे एक में से उल्टा घटाते हम 1.0005 आएगा, कितना 6, फिर कितना आएगा 9, कितना आएगा 8, आइए 9 में से 10 में से 4 गया 6, 9 में से 0 गया 9, ये कितना बचा, ये भी 9 बचा, हाँ ये भी 9 बचा, तो 9 में से 5 गया 4, 0.496 आएगा, 0.496 यहाँ पे कितना आएगा, तो भाई 0, ये आएगा 0.5, इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 0.5, दोनों माइनस में आएंगे, माइनस से माइनस ख़त्म कहानी इसका, इससे आप भाग दीजिए तो अल्फा बराबर हो जाएगा 0. भाग दीजिए, पॉइंट पॉइंट हटा के दीजिए
ऐसे डायरेक्ट दीजिए 992। तो अल्फा का मात्रा आ गया 0.992। इसको परसेंट में बदलना है तो क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो इंटू 100 जैसे ही करेंगे हम लोग तो परसेंट में बदलेगा, तो कीजिए गुणा कितना हो जाएगा, 99.2% हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा नहीं कि आप प्रतिशत निकालने का तरीका जानते होंगे कि अनुकूल बटा में कुल गुणे सौ, तो अनुकूल हो गया अब बटा में कुल कैसे जानेंगे, तो 99,992 के बटा में क्या आ जाएगा 1000 पॉइंट हटाने पे, इसलिए हम डायरेक्ट 100 से गुणा कर देते हैं, बटा में कुछ ध्यान नहीं देते। पॉइंट जब भी दिया हो पॉइंट में उसे परसेंट में बदलने के लिए केवल 100 से गुणा कर दिया जाता है। लेकिन कोई संख्या में पूछे कि कोई संख्या इतना में इतना है तो उसका क्या परसेंट होगा, तो हम दोनों का अनुपात लेके 100 से गुणा करते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया बात। तो अगले वीडियो, अभी यहाँ से ये चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो गया, मैंने इस चैप्टर को कम्प्लीट करा दिया, अब हम लोग अगले वीडियो अगले अध्याय से चालू करेंगे। मैं दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो।